नमस्कार दोस्तों, मैं शगुन जैन बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का न्यूज़ मीडिया 47 पर। और अब समय हो चुका है देश की 20 बड़ी खबरों का, तो आइए मेरे साथ सुनते हैं देश की 20 बड़ी खबरें। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय 100 इंस्पायरिंग इंडियंस, अ बुक टू रिकॉग्नाइज द अचीवर्स एंड इंस्पायर द इंडियंस। इफ यू हैव डन समथिंग रिमार्केबल इन योर लाइफ एंड थिंक दैट योर वर्क कैन इंस्पायर मिलियंस, वी आर हियर टू टेक द स्टोरी टू एवरीवन। For that, nominate yourself at www.100ii.in। 24 घंटे में रिकॉर्ड 61,537 नए कोरोना मामलों की पुष्टि। आखिर तक विमान को बचाने की कोशिश करते रहे पायलट, गवा दी जान। 50% प्रभावित होने पर भी लोगों को लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। दिशा की मौत पर मां ने कहा, सुशांत ने कनेक्शन पार्टी की थ्योरी गलत। यूपी नोएडा में 400 बेड का नया कोविड अस्पताल सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। देश में कोरोना के 6,19,037 एक्टिव केस, अब तक 42,518 मरीजों की हुई मौत। केरल विमान हादसा, 18 लोगों की मौत। उद्यान मंत्री हरदीप सिंह पुरी जाएंगे कोड़ीकोच। उड़ीसा के बहरामपुर में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.8 दर्ज की गई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आज सिद्धार्थ पठानी से होगी पूछताछ। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का आज उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। बेरूत विस्फोट मामले में लेमनान ने कस्टम चीफ गिरफ्तार। मानकोट सेंटर में पाकिस्तान ने की गोलीबारी, एक नागरिक की मौत। पीएफआई मीडिया प्रभावी गिरफ्तार, बाबरी मस्जिद के नाम पर भड़काने का आरोप। एसपी बनवाएगी परशुराम की 108 ऊंची मूर्ति, ब्राह्मणों से भराएगी संवाद। मुरैना, 3 समेत भाइयों समेत 5 ने किया नाबालिग से रेप, जंगल में छोड़ा। गुरुग्राम मां ने नहीं दिए शराब के लिए पैसे, बेटे ने कुल्हाड़ी से कर दी हत्या। प्रयागराज अस्पताल के बाहर बैठी थी बुजुर्ग महिला, गार्ड ने लाखों से पीटा। कोर्ट का आदेश, दिल्ली की मासूम रेप पीड़िता के परिवार को दिया जाए मुआवजा। कोरोना काल में सरकार ने अर्थव्यवस्था को नहीं आने दी आंच, 72% लोग खुश। तो ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ मीडिया 47 पर।